कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री मणिन्द्र जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन महासमिति, श्री घेवर चंद जी बोहरा, अध्यक्ष जीओ जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ाई के साथ साथ लेवल नेक्स्ट का कोर्स भी जरूर कर लेना। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जीवन में हर चीज का मूल्य है, लेकिन यह जीवन, यह पर्याय सबसे अमूल्य है। मनुष्य पर्याय सर्वश्रेष्ठ पर्याय है। नरक में जाने वाला जीव नारकी बनके नरक के कष्टों को उठाता है, नरक की वेदना को सहता है। जैसी नरक की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को सहता है, उसी में रह करके कीड़े मकोड़ों की तरह कष्टों को सहन करता हुआ अपना पूरा जीवन यापन करता है। वहां यदि मरना भी चाहे मर नहीं सकता है। जितनी आयु नरक गति में लेके गए हैं वो आयु तो वहां जाकर के भोगना ही पड़ेगी। त्रयंच गति का जीव त्रयंच गति में पैदा तो होता है, जीवन भर त्रयंच ही बन के रहता है। त्रयंचों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन वहां चाहे सुख मिले लेकिन वहां सुख त्रयंचों जैसा मिल सकता है और कैसा भी सुख नहीं मिल सकता है। देव गति में जाके देखिए, वहां पर वैभव है, सुख है, लेकिन मानसिक दुख भी है। देवों में सब कुछ है, संपदा है, स्वर्ग में देवियां हैं, लेकिन वहां पर भी मानसिक तनाव है, संयम का अभाव है। और एक होता है मनुष्य पर्याय। इस पर्याय में सब कुछ है, जो चाहो वो कर सकते हो, नरक के जैसा दुख भोग सकते हो, त्रेंचों की तरह अपने जीवन को जी सकते हो, देवों की तरह सुख सुविधाओं को यापन कर सकते हो, और मनुष्य पर्याय की तरह संयम को धारण करके इस मानव से महामानव बन सकते हो, इस आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। आप सोचिए कितनी श्रेष्ठ पर्याय मनुष्य पर्याय है। इस पर्याय में ही हम चारों गति के दुखों को देख लेते हैं। आप देखिए, नरक देखना है आप चाहते हो, इस पर्याय में
नरक कहाँ है? एक ही जगह जाओ, वहां आपको नरक जैसा दुख देखने को मिलेगा। अस्पताल, किसी का पैर कटा हुआ है, हाथ टूटे हुए हैं, आंखों से अंधा है, कान से बहरा है, हार्ट अटैक की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और सबसे बड़ी बीमारी कैंसर की परेशानी से गुजर रहा है। ऐसा दौलत राम जी लिखते हैं कि बिच्छू साहस डसे नहीं तिसो। इतना कष्ट नरक गति में होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हजारों बिच्छू एक साथ पूरे शरीर को डंक मार रहे हों। वही वेदना कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को होती है जब उसे कीमो दिया जाता है, उसके सिर की बार उड़ जाते हैं, कहीं पर भी रोम रोम में खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर इतनी वेदना सहन करना पड़ती है जो वेदना नरकों में होती है। अस्पताल जाइए, आपको वहां जाके नरक गति का दुख पता चल जाएगा। त्रेंचों का देखना है तो जो हमाल है, कलकत्ता में जाइए, वहां पर इंसान को कोई घोड़ा नहीं, कोई जानवर नहीं, इंसान इंसान को खींच रहा है। मनुष्य बन करके अपने जीवन को त्रियंचों की तरह जी रहा है, बोझ ढो रहा है, त्रियंच बन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान लेके जा रहा है। सोचिए, विचार कीजिए, जो नौकरी कर रहे हैं वो कभी अपने मन से सोच नहीं पाते हैं। जैसा अधिकारी आदेश करता है उसका हमें पालन करना पड़ता है, बंद के रहना पड़ता है। जितना समय मुझे दिया गया है उतने समय तक एक ही जगह बैठना पड़ता है, कुछ अपने मन से नहीं कर सकते हैं। सोचिए आपका जीवन कैसा है। नौकरी क्यों करी? नौकरी करने वाले से पूछिए कि क्या वो कभी अपने मन से कभी कुछ कर सकता है, क्या अपने मन से कुछ सोच सकता है, क्या अपने मन से कुछ थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकता है? खुद कहेगा नहीं, 50,000 रुपये में मैं बिक गया हूँ। आज आप 22-23 साल तक पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप अपने जीवन को कितने रुपए में बेच देते हो? कोई 50,000 रुपये महीने बेच देता है, कोई 1,00,000 रुपये महीने में अपना जीवन बेच देता है, कोई 2,00,000 रुपये महीने में अपना पूरा जीवन बेच देता है, एक पल भी अपने बारे में सोच नहीं पाता है। विचार कीजिए, यदि आप 10 साल नौकरी करते हैं तो अपने जीवन का आपको कितना पैसा मिलेगा? 20 साल नौकरी करते हैं आपको अपने जीवन का कितना पैसा मिलेगा? 30 साल भी नौकरी करते हैं आप अपने जीवन में इस शरीर के मेहनत से कितना पैसा कमा पाते हो? सोचो, क्या है इतना कमाने के बाद एक बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, जानलेवा बीमारी हो जाए, 30 साल तक जो पैसा कमाया है कितने समय में वो पैसा डॉक्टर के पास चला जाएगा? 3 साल क्या 3 महीने नहीं लगेंगे? जो पैसा आपने मेहनत से कमाया था वो पैसा पूरा डॉक्टर के पास चला जाता है। क्या है जिंदगी? सोचो, विचार करो एक बार। इस मनुष्य पर्याय में कुपा करके भी, नौकरी करके हमने अपने जीवन को गुलाम बना दिया। इसलिए तो हम कहते हैं कि मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, मेरी कमाई कम है। शब्द है कम आई, उसको कहते हैं कम आई। कोई कहता तन कुवाहा, जिसने तन को खपा खपा करके, तन को दूसरों के अंडर में दे दे करके जो पैसा कमाया है उससे कहते तन कुवाहा। फिर कहते इन कम ज़्यादा कहाँ है, कम ही तुम्हारे पास है। और पूरा जीवन त्रियंच की तरह आप जीवन जीते रहते हो। और लेकिन एक ऐसी पर्याय है, देव गति, खूब ऐसो आराम, बड़ा बंगला,
बड़ी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने खड़ी है, सब कुछ तुम्हारे पास है। लेकिन जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, सरकार और पुलिस वाले तुम्हारे घर के सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप देव हो। इसीलिए तो पुलिस वाले कहते हैं, सरकार कहती है, भैया आप तो देव हो, अब तो कुछ देव आपसे ही मांगते हैं, क्योंकि आप देव हो। फिर आप रात भर चैन से सो नहीं पाते हो, कहीं ये टैक्स भरना है कि वो टैक्स भरना है, कहीं ईडी के छापे पड़ रहे हैं, क्या करें, परेशानी परेशानी आपके सामने खड़ी है। क्योंकि पैसों का सुख तो है, मानसिक दुख है, आपको चैन से सो नहीं पाते हो। बड़ी बड़ी बीमारी ने आपके शरीर में अपना घर बना लिया है। अब आप सोचिए, देव जैसा सुख मिलने के बाद भी आप चैन से जी नहीं पा रहे हो। और एक होती है मनुष्य पर्याय, जिस पर्याय में आप आए हो वहां पर नरक जैसा दुख भी है, त्रेंचों जैसे कष्ट भी हैं, देवों जैसा सुख भी है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय को पाकर के जो रत्नत्रय को धारण कर लेता है, संयम को धारण कर लेता है, वही मनुष्य पर्याय को सार्थक करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। अपने जीवन को बर्बाद मत करना। यदि जीवन में आपने चार कर्म नहीं किए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन नहीं अपनाया, आपका पूरा जीवन बर्बाद है। आपके जीवन में आप अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हो। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हमारे आचार्यों ने लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोऽपि न विद्यते अजागदस्तरस्तैव तस्य जन्म निरर्थकम्। आचार्य परमेश्वरी कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य पर्याय को धारण करने के बाद धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधन नहीं प्राप्त किए हैं, वह बकरी के गले में जैसे स्तन रहता है, उसी प्रकार से ही वह अपने जीवन को यापन करता रहता है। तो यहाँ पर आचार्य परमेश्वर यही आपसे कहना चाहते हैं, जिसने मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद एषां न विद्यां न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। जिसने मनुष्य पर्याय को पाने के बाद न विद्या अर्जन की है, न दान किया है, न ज्ञान प्राप्त किया है, न कभी दया के भाव पैदा किए हैं, ते मृत्यु लोके भूभार भूता, वह मनुष्य लोक में आकर के भार स्वरूप है। मनुष्य का रूप तो है, मृगा शरन्ति, मृग की तरह हिरण की तरह अपने जीवन को यापन करता रहता है, अपने जीवन में तिरंज की तरह अपने जीवन को जीता है। कभी मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से अपने जीवन को जी नहीं पाता है। याद रखना, पैसों में तुम्हें दवा तो मिल सकती है, लेकिन नींद नहीं मिल सकती। पैसों में तुमको बिस्तर तो मिल सकते हैं, लेकिन पैसों से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता है। पैसों से हर चीज़ प्राप्त हो सकती है, लेकिन इन पैसों से मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं हो सकती है। जब आप अस्वस्थ होते हो, डॉक्टर के पास जाके कहते हो, डॉक्टर साहब जो पैसा मैंने कमाया है पूरा पैसा ले लो, बस मुझे थोड़े समय की उम्र और दे दो। डॉक्टर साहब इतना ही तो कहता है, मैं दवा दे सकता हूँ, मैं आपके शरीर का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन दवाओं से आपकी आत्मा को नहीं बचा सकता हूँ। शरीर का इलाज है, आत्मा का कोई इलाज नहीं है। आत्मा का इलाज परमात्मा दर्शन है, प्रभु की भक्ति है, प्रभु की आराधना है। इतने कष्ट मानतुम स्वामी के जीवन में आए, समंत स्वामी के जीवन में भस्मक व्याधि रोग हो गया, लेकिन भस्मक व्याधि रोग होने के बाद भी समंत स्वामी ने धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के सहारे, धर्म के प्रभाव से, प्रभु की भक्ति के प्रभाव से भस्मक व्याधि के रोग को भी शमन कर दिया और फिर संत बन के अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। किन किन जीवों के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने कष्ट को संयम के साथ, रत्नत्रय की आराधना के साथ,
प्रभु की भक्ति के साथ व्यतीत किया, तब जाकर के वह संत आज पंचम काल में भगवंत के रूप में पूजे जाते हैं, भगवंत के रूप में उन्हें याद किया जाता है। ये पंचम काल है, आज पंचम काल में सबसे ज़्यादा भक्तामर पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कष्ट के समय लिखा गया। हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं तभी हमें धर्म की याद आती है, मंदिर की याद आती है, भगवान की याद आती है, संतों की याद आती है, और आज वही कड़ी आपके बीच में है। हम इस समय परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, इस परेशानी के दौर में सबसे ज़्यादा भक्तामर की आराधना हम लोग कर रहे हैं। ये एक वो आराधना है जो आपके जीवन को जीवंत बना सकती है, जो आपके जीवन में धर्म के साथ जोड़ करके आपके अंदर के रत्नों को बाहर निकाल के दिखा सकती है। क्योंकि मान्तुंगाचार्य 20 नंबर काव्य में कह रहे हैं, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिशुनायकेषु तेजो महामनिषु याति यथा महत्त्वम नैवम तु काचि सकले किरणाकुलेऽपि। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चमक आज वर्तमान में हम लोग इन कांच के टुकड़ों में देख रहे हैं, तो वो चमक कब तक है? जब तक सूरज की किरणें हैं, जब तक उजाला है, तब तक वह कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। लेकिन हे प्रभु, आज तक मैंने कांच के टुकड़ों को ही रत्न माना है, लेकिन आज जब से मैंने आपको देखा है, आपका सहारा लिया है, आपके प्रति मैंने समर्पण किया है, रत्नत्रय को पहचाना है, तब मुझे पता चला ये कांच के टुकड़े जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन यह हीरा जो है, रत्नत्रय है, वो तो सिर्फ एकमात्र वीरत्राता के पास प्राप्त हो सकता है। याद रखना, आप पैसों से रत्न खरीद सकते हो, लेकिन जब रत्नत्रय प्रकट हो जाता है तो पैसे वाले अपने आप तुम्हारे पीछे भागते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूजा रत्नों की नहीं, रत्नत्रय की पूजा है। ये मनुष्य पर्याय एक रत्न है। आप अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए संयम को धारण करें, तभी आप परम लक्ष्य को प्राप्त करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकते हैं। आपका यह मनुष्य जीवन सार्थक हो, आपके जीवन के सारे लक्ष्य पूरे हों, यही भावना आपके बीच में रखते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम नमः।